व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड भाई यार, इस वीडियो के यार बात करने वाले हैं इस गाड़ी के बारे में। भाई आपका BS6 फेस 2 RDE कंप्लायंट भाई स्कॉर्पियो S11 क्लासिक। S11 मॉडल भाई आपका टॉप मॉडल ये खड़ा हुआ है एंड बगल में ही इसका बेस मॉडल खड़ा हुआ, आप देख पा रहे हो। ये ऐसा ये S11 है, तो भाई इसी की बात करते हैं, क्या चीज़ कैसे मिलती है। भाई आपको चाबी, दो चाबी कंपनी ऑफर करती है, दोनों में ट्विन पीक्स का लोगो इस पर भी है एंड इस पर भी है। इस पर आपको बटन देखने को नहीं मिलते हैं, इस पर आपको बटन देखने को मिल जाते हैं। मतलब यार थोड़ी सी कॉस्ट कटेंगे, एक चाबी वैसी दे दी, एक चाबी वैसी दे दी, इससे दबाते उससे गाड़ी आपकी लॉक, इससे दबाते आपकी इससे गाड़ी भाई अनलॉक हो जाती है। जैसे आप दोबारा अनलॉक करते हो ना, आपको देख रहे हो ये फ्लिकर मारता है। प्रोजेक्टर आपका ऑन, प्रोजेक्टर आपका ऑफ, प्रोजेक्टर आपका ऑन एंड प्रोजेक्टर आपका ऑफ, इससे गाड़ी आपकी लॉक हो जाती है। तो मतलब यार लुक्स डिसेंट, बढ़िया लगता है, कोई दिक्कत फील नहीं होती है। भाई अब क्या सीन है ना, ये जो गाड़ी है कहीं ना कहीं थोड़ी सी और ज़्यादा आपको रिफाइंड फील होती है, वाइब्रेशन लेवल्स को कहीं ना कहीं कम करा है। तो भाई इसके अंदर क्या सीन है कि रिफाइनमेंट अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा बढ़ा है ना, आपका जो वाइब्रेशन के लेवल्स है वो थोड़े से इंक्रीज किया, मतलब यार बहुत ज़्यादा मिनिमल कर दिए हैं कंपनी ने। आप गियर को छूओगे ना, आपको फील होगा कि कुछ ना कुछ अंतर तो आया है आपका। हेडलाइट की बात करता हूँ भाई, आपको यहाँ पे एक DRL वाला आईब्रो देखने को मिलता है। रात में आपका ये जो है भाई, ये आपका जलता है। ये आपको प्रोजेक्टर मिलता है लो बीम, या आपको हाई बीम के रिफ्लेक्टर बेस मिलता है। यहाँ से आपकी गाड़ी जब इंडिकेटर है आपका, ये जब लॉक करते हो तो आपकी गाड़ी भाई यहाँ से ब्लिंक करता है। 6 LED की DRL देखने को मिलती है, नीचे आपको फॉग लैंप देखने को मिलती है येलो लाइट की। लुक्स गुड डिसेंट। फ्रंट में आपको ट्विन पीक्स का लोगो देखने को मिल जाता है। 6 फ्लैट क्रोम इंसर्ट, 3 से इधर, 3 से इधर, स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग यहाँ पे। आपके अभी नंबर प्लेट यहाँ पे आ जाएगी। स्किड प्लेट की जब आप बात करते हो तो भाई स्किड प्लेट जो आपकी गाड़ी की वो सैटिन सिल्वर के टचेस के साथ आती है। फ्रंट फेशिया में गाड़ी यार बहुत ज़्यादा कमाल की लगती है। फेक इंटरकूलर डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिल जाता है। सिंगर वॉशर फ्लूड आपको यहाँ देखने को मिलता है। साइड प्रोफाइल पर जैसे ही आते हो आप, तो भाई आप देखते हो उसके आपका जो एलॉय है भाई, वो 17 इंच का आपको एलॉय देखने को मिलता है इसके अंदर। आपका ब्रिजस्टोन का यूटोपिया लग के आता है टायर। यूटोपिया मतलब है डिसेंट टायर, अच्छा टायर है। टायर सेक्शन की बात करता हूँ, 235/65R17, 17 इंच का आपका एलॉय है। फ्रंट में आपको डिस्क, रियर में आपको ड्रम ब्रेक से गाड़ी ऑफर करती है। डिसेंट टायर को देख लीजिए, 5 नट। हब कैप पे ट्विन पीक्स का लोगो, फ्रंट में डिस्क है आपकी डिसेंट टायर, कोई दिक्कत वक्त फील नहीं होती है। एंड आपके ये जो फेंडर पे जो इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको भाई इसके अंदर एक सैटिन सिल्वर की हाउसिंग देखने को मिलती है। बेस मॉडल में ना आपका वो सैटिन देखने को नहीं मिलता। एंड इस तरफ की बात करते हो तो फेंडर पे इंडिकेटर आता है, एम हॉक की ब्रांडिंग विद द सैटिन टचेस, बढ़िया लगती है यार, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर आपको रूफ रेल देखने को मिल जाती है, माइक्रो एंटेना एक आगे ही खड़ा सा देखने को मिल जाता है इसके अंदर। रियर में स्पॉइलर आ जाता है। एंड साइड में देखते हो डोर पे जो क्लैडिंग लग रही है आपकी ये वाली, इस पर भी आपके सैटिन के टचेस देखने को मिलते हैं। ये सैटिन का टचेस यार बड़े खूबसूरत लगते हैं, गाड़ी का जो लुक है इन्हांस होता है इनसे कहीं ना कहीं। एंड ये पूरी फाइबर की क्लैडिंग है, स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग, फुटरेस आपका इंटीग्रेटेड पहले से ही आता ही आता है। रूफ रेल्स आप देख रहे हो दोनों लगी हुई आती है इसके अंदर। आपकी जो रूफ है वो थोड़ी सी स्लोपिंग में होते हुए जाती है इस गाड़ी की, बढ़िया लगती है, कोई दिक्कत फील नहीं होती है इसके अंदर। एक बार भाई बैक में चलते हैं, बैक से दिखाता हूँ भाई। जैसे ही बैक में आते हो आप भाई, देखो यार क्या कमाल लग रही है ना देखने के अंदर। स्कॉर्पियो क्लासिक S11 की ब्रांडिंग, माइक्रो हाइब्रिड की ब्रांडिंग देखने में मिल जाती है। ट्विन पीक्स का लोगो, पियानो के टचेस, वाइपर एरा, हाई माउंट स्टॉप लैंप, वॉशर फ्लूइड यहाँ से निकलेगा एंड डिफॉगर लाइन्स अच्छी खासी आपको देखने को मिलती है इसके अंदर। 2 पार्किंग सेंसर्स, टोइंग हुक आपका यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इसके अंदर। एंड खोलना है इसको तो भाई यहाँ से आप खोलते हो, अनलॉक कर लेते हैं गाड़ी को एक बार। यहाँ से गाड़ी आपकी अनलॉक, ही आपका भाई बूट यहाँ से ओपन हो जाता है। यू कैन सी भाई क्या कमाल का लग रहा है, बढ़िया लग रहा है देखने के अंदर, कोई दिक्कत फील नहीं होता। रिफ्लेक्टर वगैरह नीचे मिल जाते हैं चढ़ने के लिए, आपको यहाँ फुटरेस्ट देखने को मिल जाता है। ये जो मॉडल है आपका भाई, ये कैप्टन सीट वाला नहीं है, 2 सीट आ गए हैं, आर्मरेस्ट वगैरह भी उनके अंदर। 3 लोग यहाँ बैठेंगे, 2 लोग यहाँ पे। 7 सीटर मॉडल हम इसको कंसीडर करते हैं, 7 सीटर मतलब है ना। यहाँ पे आप देखते हो भाई आपकी इसके अंदर डीजल की टंकी यहाँ से ओपन हो जाती है एंड यूरिया जो है आपका एड ब्लू वो यहाँ से डलता है आपका इसके अंदर। क्या सीन है, डीजल की टंकी 60 लीटर की यहाँ पे आपको देखने को मिलती है, 60 लीटर की टंकी मिलती है यहाँ से आपका ये बंद हो जाता है। एंड यार ये जो टंकी है ना आपकी डीजल की यार, ये आपकी आगे से भी ओपन हो जाती है भाई। RDE के नॉर्म्स चेंज हुए ना, मार्केट हिला पड़ा है पूरा एंड गाड़ियाँ ना दोबारा से स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी। किसी भी ब्रांड की बात कर लो भाई, या तो गाड़ी को कर दो बंद या फिर भाई आप यूरिया डालना कर दो चालू उसके, अगर डीजल गाड़ी और पेट्रोल में तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। यूरिया आपका यहाँ चलता है। बूट भी इसका डिसेंट साइज़ है, अच्छा स्पेस है, बट ये थोड़े टाँके हैं ना, ये थोड़े एक्सपोज हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑड फील कराते हैं। एंड बंद करना है यहाँ से आपका बंद एक बार। रियर वाइपर वगैरह सब चीज़ प्रॉपर है। S11 की ब्रांडिंग वगैरह देखते हो क्या कमाल लगती है, लुक्स गुड, हैट्स ऑफ, बढ़िया काम करा है। स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग भाई माफिया गाड़ी है, इंडिया की एक कमाल की गाड़ी है, बिहार हो यूपी हो तब आगे बिकती है। यूरिया आपका यहाँ से डलता है, यहाँ से आप इसको बंद कर देते हो तो डिसेंट, ठीक है ना। हमने भाई रियर प्रोफाइल की बात करी, क्या कमाल की प्रोफाइल है, कोई दिक्कत फील नहीं होती है इसके अंदर। ये आपकी विंडोज वगैरह भी खुल जाती हैं एक बार। वही पर गाड़ी के मैं हुड को ओपन करता हूँ, हुड को ओपन करते हैं भाई। इसके अंदर आपका 2184 cc का एम हॉक डीजल इंजन डल के आता है।
जो कि आपको तकरीबन 130 bhp की पावर दे रहा है एंड 300 न्यूटन मीटर्स का आपको भाई ये गाड़ी टॉर्क ऑफर करती है। अगर आपको हुड को ओपन करना है तो ये आपका हुड यहाँ से ओपन होता है, यहाँ पे खींचते हो, डोर को करता हूँ बंद। सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी का देख लो मिल जाता है, हुड आपका ओपन कर दिया मैंने, इंडिकेटर्स आपके अपने आप ऑन हो जाता है, क्रोम वगैरह यार बहुत ज़्यादा कमाल का लगता है। हुड को लिफ्ट कर रहा है, सबसे ईजी है, हाथ लगाओ एंड अपने आप आपका हाइड्रोलिक जो है इस हुड को ऊपर ले जाते हैं, तो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। मतलब यार इस गाड़ी का जो बेस्ट पार्ट है ना वो मेरे को यार यही लगता है, इसके हुड के आपके हाइड्रोलिक्स आते हैं। स्कॉर्पियो एन के अंदर भी आपको जो चीज़ देखने को नहीं मिलती ना वो आपको ये गाड़ी ऑफर कर देती है पूरा। ये है आपका 2200 cc कह लो या फिर 2184 2184 cc का डीजल इंजन एमहॉक RDE कंप्लाइंट फेस 2। तो आपका भाई ये गाड़ी कमाल है, ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत फील नहीं है, डैम्पिंग वगैरह कोई लग के आ रही है। फेक वो आपका हुड है ना वो यहाँ पे देखने को मिलता है आपको, बंद करता हूँ उसको यहाँ से, आप देखते हो यहाँ से आपका ये एक बार में बंद हो जाता है। तो क्या मतलब यार फिट एंड फिनिश ना कमाल है यार, मतलब बहुत ज़्यादा कमाल का मिलता है देखने के अंदर। आपके इंडिकेटर भाई अपने आप अब बंद हो जाएंगे बिकॉज सेफ्टी फीचर है, बिकॉज कोई सेफ्टी के अंदर क्या ना फीचर कोई भेड़ ना था, इंडिकेटर हो गया आपके बंद, बढ़िया चीज़ है भाई। गाड़ी एक बार अंदर बैठता हूँ, क्या चीज़ कैसे मिलती है ना आपको, एक बार अंदर से बैठ के दिखाता हूँ मैं कि क्या क्या आपको चीज़ें इस गाड़ी के अंदर मिलती है। हाइट एडजस्टेबल सीट बेल्ट मिल जाती है, रिक्लाइन एंगल आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, गाड़ी को पीछे लेना है यहाँ से आप पीछे ले लो, यहाँ पे आपके लॉक वॉक हो, पावर विंडो कंट्रोल आपके डोर पर ही आते हैं, बेस मॉडल में आपको बीच में देखने को मिलते हैं। अंदर बैठते हैं एक बार गाड़ी के एंड स्टेयरिंग पे भाई आपको मीडिया कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं, टेलीफोनिक कंट्रोल आपके यहीं पे आ गया पूरा एंड क्रूज कंट्रोल वगैरह कंट्रोल आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस गाड़ी के अंदर। स्टेयरिंग को करते हैं भाई सीधा एक बार, चाबी मेरे पास ये रही भाई, चाबी लगा दी एंड एक बार करते हैं भाई इग्निशन को ऑन, यहाँ से गाड़ी आपकी स्टार्ट। यार क्या फुल साइज माराना क्लस्टर है, यहाँ पे आपको ट्विन पीक्स का लोगो बन किया था पूरा स्क्रीन पे, 6 गियर मिलते हैं, एक रिवर्स देखने मिलता है, 130 bhp पावर 300 न्यूटन मीटर्स का आपको टॉर्क की गाड़ी ऑफर करती है। एक बार हॉर्न सुनवाता हूँ मैं आपको, हॉर्न कैसा है, लाइक हॉर्न भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है इस गाड़ी का। थार में जो हॉर्न आ रहा है ना वही आपको डिटो सेम हॉर्न देखने को मिलता है इसके अंदर। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, लेदर रैप गियर नॉब देखने को मिलता है, रबर आइस की थोड़ी पैडिंग है, यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं, हैंड ब्रेक के टिप पे आपको क्रोम का लाइक नहीं है, सडन सिल्वर का टच देखने को मिलता है, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दे रहा है आपको एंड नीचे की अगर बात करते हो तो भाई यहाँ पर आपको आप देख पाओगे आपको भाई यहाँ पे एक USB का पॉइंट है देखने को मिलता है ना, ऑक्स का पॉइंट देखने को मिलता है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल आपको भाई ये गाड़ी ऑफर करती है, 2 AC के वेंट है, 1 AC का वेंट हो रहा है, 1 AC का वेंट इधर है आपको, बीच के अंदर आप देखते हो क्रोम का सराउंड देखने को मिल जाता है, हार्ड प्लास्टिक मतलब भर भर के भाई हार्ड प्लास्टिक आपको इस गाड़ी में देखने को मिलती है। स्क्रीन देखते हो थोड़ी चाइनीज सी फील होती है, एंड्रॉइड ऑटो वगैरह वो सब चीज़ के अंदर आता है, बट थोड़ी सी कहीं ना कहीं चाइनीज है। कैमरा आपको एज एक्सेसरी इस गाड़ी के अंदर इंस्टॉल करवाना पड़ेगा, ग्लव बॉक्स खोलना है यहाँ से आपका ग्लव बॉक्स ओपन एंड इस ग्लव बॉक्स के अंदर भाई क्या आपको कूलिंग मिलती है, कूलिंग नहीं भाई, कूल नहीं है आपका, ये नॉर्मल लैम्प वगैरह भी नहीं है। स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग अच्छी सी, क्या बढ़िया सी ब्रांडिंग देखने को मिलती है ना, तो स्कॉर्पियो की ब्रांडिंग आपको वहाँ पे देखने को मिल जाती है इसके अंदर। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है, डुअल जोन का नहीं बट सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। अमरेस की बात करते हो, अमरेस आपको एक ये मिल रहा एंड एक ये मिल रहा, यहाँ अमरेस आपका लाइक यहीं से पूरा ऐसे टिल्ट होके भर आ जाता है, यहाँ से इसको भर निकाल सकते हो तो ठीक है, मतलब कोई दिक्कत है, अभी काय को सीट फाड़नी है जिसकी गाड़ी है वो लेंगे तो डिसेंट है। एक हमारे चला गया था, सिंगल देते तो काफ़ी ज़्यादा चौड़ा हो जाता वो चीज़, तो मतलब ठीक है यार कोई दिक्कत नहीं है। 2 AC के वेंट रियर वाले यार, एक कप होल्डर आपको रियर में देखने को मिल जाते हैं डिसेंट। भाई स्टेयरिंग की अब बात करते हो भाई, आपको उसके अंदर आप देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल देखने मिलते हैं, ऑटोमेटिक नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको हेडलाइट के कंट्रोल मिलते हैं, नॉट ऑटोमेटिक नॉर्मल देखने को मिलते हैं। स्टेयरिंग की बात करते हो तो आपको सिर्फ टिल्ट देखने को मिलता है, टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है, यहाँ पे आपका स्टेयरिंग लॉक हो जाता है, एसी वगैरह सब चीज़ चक काम करती है। मैनुअल इनसाइड रियर व्यू मिरर देखने मिलता है, सनग्लास होल्डर आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है इसके अंदर, यहाँ से आप इसको खोलते हो बिल्कुल प्लेन सा मिरर देखने मिल रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो उसके अंदर डिसेंट है, ठीक है ना, आप यहाँ पे देख पा रहे हो मिरर आपको यहाँ पे देखने को मिलता है इसके अंदर पूरा एंड यहाँ पे माइक्रोफोन वगैरह का कंट्रोल है, पीली लाइट आपको यहाँ पे देखने मिलती है, गाड़ी येलो लाइट आपको ऑफर करती है, स्पीकर ग्रिल बोल रही, स्पीकर ग्रिल आपको यहाँ देखने मिलती है, ट्विटर वगैरह आपको कोई अलग से देखने को नहीं मिलता, पावर विंडो कंट्रोल डोर के पल्ले पर ही आता है, फैब्रिक की सीट्स आती हैं आपकी, बेस मॉडल आपकी विनाइल की सीट आती है, फैब्रिक है, कवर वगैरह चढ़वा लोगे टिप टॉप हो जाएगी एकदम, तो यार मतलब फ्रंट में तो मुझे कोई दिक्कत लगी नहीं। गियर नॉब यार क्या रिफाइनमेंट है भाई, बढ़िया, रिवर्स डालता हूँ एक बार, आपका आर लिख के आ जाएगा यहाँ पे एंड ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी को एक बार रेव करूँ, 3000 के RPM तक ज़्यादा है आपका, इससे ज़्यादा आपका RPM नहीं ज़्यादा भाई, जान है इस गाड़ी का, खींचने की ताकत है, 300 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मायने रखता है यार, बढ़िया चीज़ है। वुडन वगैरह फिनिश पूरी हमने यहाँ पे देख ली, तो भाई एक बार आप बैक सीट पे चल के बात करता हूँ क्या चीज़ कैसे मिलती है ना आपको, न्यूट्रल के अंदर ही गाड़ी है अभी आपकी, तो भाई गाड़ी की एक बार बैक सीट पे चलते हैं एंड इस तरफ से बैठते हैं यार, उधर से थोड़ा सा जगह कम है, आप जैसे ही बैक सीट पे आते हो भाई
तो यू कैन सी यार, आपको चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत फील नहीं होती है। बॉटल होल्डर आपको यहाँ पे लगा हुआ मिल जाता है ना, आपका यहाँ पे एक छोटी सी जगह मिल जाती है, मोबाइल होल्डर वगैरह कह लो उसको, कुछ भी कह लो, पकड़ने के लिए अच्छा खासा मिल जाता है आपको। अंदर चढ़ना है तो कोई दिक्कत फील नहीं होगी आपको। डोर को करता हूँ यहाँ से एक बार मैं बंद, एक बार बंद हो जाएगा मोबाइल होल्डर, यहाँ देखने मिलता है पॉकेट वगैरह यहाँ पे आपकी आ गई। एंड यहाँ पे भी आपको लाइक रियर में पॉकेट नहीं, बट मोबाइल होल्डर के लिए जगह आपको देखने को मिल जाती है। रिसेंट हेडरेस आपको यहाँ पे मिल रहा है, हेडरेस आपको ये भी रहा, एंड रियर में भी आपको एडजस्ट देखने को मिलता है। पीछे आपको जो लाइट मिल रही है ना, ये वाली, ये आपको येलो ही देखने को मिलती है, मतलब पीली लाइट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑलमोस्ट फ्लैट फ्लोर हम पे, तीन लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। आई थिंक भाई तीन लोग तो बैठ ही सकते हैं, कोई दिक्कत फील नहीं होगी। और यार अच्छा खासा लाइक नी रूम इज एडिक्वेट, डिसेंट है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, नी रूम अच्छा खासा है यहाँ पे। आप अंडर थाई सपोर्ट बहुत कमाल का, अंडर थाई सपोर्ट तो यार बहुत अच्छा है। मेरी हाइट 6 फुट है, मेरे को कोई दिक्कत फील नहीं हो रही, बिल्कुल चकाचक स्पेस है। रियर में दो ही सीवेंट, दो कप होल्डर वगैरह, कोई चार्जिंग का पॉइंट वगैरह रियर में आपको देखने को नहीं मिलता, तो दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब ठीक है यार, क्या है अगर बाद में आप आगे से चार्ज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आगे 12 वोल्ट के जाएंगे सॉकेट में आप लगा लो तो दैट इज़ गुड। भाई पीछे दो लोग बैठ सकते हैं, आपकी सीट्स वगैरह ये वाली बेटर लगती है, थोड़ा घुटने भिड़ते हैं इनके अंदर, मगर कोई दिक्कत नहीं है, तो डिसेंट यार। अगले वीडियो क्या मिलता है भाई, S11 क्लासिक है भाई ये गाड़ी, आपकी बहुत क्लासिक लोगों की पसंद है, तो दैट्स इट यार, बाय बाय एंड टेक केयर भाई, लव यू ऑल।